अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद हामिद खान और मेरे साथ मोहम्मद ईशान हाकिम। चलें आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। हम लोग ना आज बहुत लेट उठे, ईशान भाई ने आके उठाया मुझे, तो दरवाजे को नॉक किया तकरीबन 7:30 पे। तो मैं तो सो रहा था एज ऑलवेज, तो मैंने कहा चलें जी थोड़ी देर में हम जो है वो स्टार्ट करते हैं ना, कि उठते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी डेली रूटीन। हमारी दो क्लासेस हैं, पहली है पैथोफिजियो की और उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी की। इसके अलावा आज पैथोफिजियो का लेक्चर क्लास और प्रैक्टिकल क्लास है। सो जी ये हमारा रिपब्लिकन का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नंबर 1। इसके बैक गेट से हमने एंट्री किया, फ्रंट गेट जो है वो बंद ही होता है। अभी तक उधर कंस्ट्रक्शन जा रही है सो वो बंद होता है फ्रंट गेट। सो अभी हम लोग इंटर हुए, इस साइड पे हॉस्पिटल है और सामने हमारा जो है वो डिपार्ट है जिधर हमने जाना है। जी हमारा पहला लेक्चर एंड हो चुका है, अभी एंड तो होना था कि 10:50 पे, लेकिन टीचर ने जो है वो जल्दी ही हमें फ्री कर दिया। और आज टॉपिक था रेडिएशंस का इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। जी तो अभी हमारा फ्री टाइम चल रहा था, ब्रेक हुई थी आपको पहले भी बताया था, तो हम लोग जा रहे हैं। असल में होता ये है कि इधर 1 नवंबर को जैसे ही मंथ चेंज होता है आपका जो इंटरनेट होता है और सारा कुछ बंद हो जाता है ना, इंटरनेट भी और कॉल्स भी, तो आप लोगों को तकरीबन यहाँ के 15,000 उज़्बेक सोम का पेनेट कराना पड़ता है, पेनेट मीन बैलेंस। तो हम लोग वो कराने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं तंजील भाई और ज़ीशान हाकिम। यहाँ पे ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन ही हो रही है, जब से हम लोग आए हैं तकरीबन 1 साल हमें हो गया, तो इधर कंस्ट्रक्शन ही चल रही है। जिस जगह पे आप लोग जाएंगे उधर कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है, इस साइड पूरी पे और इधर भी। ये ज़ीशान भाई और तंजील भाई आगे आगे जा रहे हैं। इस जगह का नाम दगबिस्की, मैंने पहले ही बताया आपको, तो ये मेन जगह इधर की इस समरकंद साइड पे, जहाँ पे आपको सारे पाकिस्तानी लोग मिलेंगे और इंडियंस लोग मिलेंगे। तो इस जगह पे हॉस्टल्स हैं उन लोगों के, तो हम लोग अभी इधर पहुँच चुके हैं। बस थोड़ा सा आगे करके कैबिन टाइप एक बॉक्स है, उधर हम लोग जाएंगे। सो उधर हम लोग जो है पेनेट हमें मिल जाएगा उस जगह से। अभी हम क्लास के लिए वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारी क्लास का टाइम हो गया। हामिद भाई ने पैकेज करवाना था, वो उन्होंने करवा लिया। अब उनको तसल्ली है क्योंकि इनका व्हाट्सएप कभी बंद नहीं होता,